हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपने थंबनेल को देखा ही होगा, उसी प्रकार से आज मैं फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूँ। ये हमारा फ़ोटो क्लियर पूरा एडिट हुआ फ़ोटो है। 3 से 4 स्टेप में आज मैं फ़ोटो एडिटिंग बताऊंगा कैसे करें। ये सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड ये होता है। बैकग्राउंड को हम शेयर करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं सबसे पहले शेयर कर देता हूँ इसको। यहाँ से पिक्सआर्ट को शेयर करेंगे, पिक्सआर्ट में शेयर करेंगे, पिक्सआर्ट ये रहा। ये हमने फ़ोटो अपना शेयर कर दिया है जो कि बैकग्राउंड है हमारा। शेयर होने के बाद यहाँ से चलते हैं हम पहले टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट के बाद इसमें क्लियरिटी को बढ़ाएंगे हल्की सी। ओके, यहाँ से अब करेंगे सही। अब यहाँ से चलेंगे हम ऐड फोटो में जो कि अपने आप फ़ोटो लगाएंगे वो वाला फ़ोटो होगा हमारा। यहाँ से हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है जो कि मैं बैकग्राउंड में लगाने वाला हूँ। तो हम इसको ऐड करेंगे। अब देखिए ऊपर ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये हम मैं फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से पहले मैं फ़ोटो को अपने को रोटेट करूँगा। ये मैंने अपना फ़ोटो रोटेट कर लिया है। अब इसको बैकग्राउंड में अच्छे से इसको अपने फ़ोटो को मैच कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी वजह रियल लगे ये। ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। ओके, यहाँ से अब देखो रियल तो दिखाना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, जो कि लड़की वाला बैकग्राउंड है, जो लड़की लगी हुई है उसमें, उसको हम आगे कर लेते हैं, अपने फ़ोटो को पीछे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रिमूव करूँगा इसको, तो रिमूव कर दूँ मैं इसको पहले जल्दी से। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है। अब ब्रश टूल पे जाइएगा, ब्रश टूल पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो गया है उस पे आप ब्रश को कर दीजिएगा अच्छे से। बिल्कुल रियल सा लगना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर हमारा ये पास्ट एक्स्ट्रा रिमूव हो गया है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इरेज वाले ऑप्शन पे जाइएगा, इसको देखिएगा, यहाँ से कर देते हैं सही। ये देखिएगा अब अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा फ़ोटो। ज़्यादा पार्ट्स रिमूव हो गया था हमारा इसका, अब यहाँ से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोटो हमारा। अब देखिए सब, अब इसको हम करेंगे यहाँ से सही। अब इसमें देखिएगा नीचे शैडो वगैरह कट दिख रहा होगा आपको, इसमें चलते हैं। सबसे पहले हम एडजस्ट पे क्लिक करेंगे। एडजस्ट पे जाके हम थोड़ी सी इसकी क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ाएंगे या डाउन करेंगे, देखते हैं। हल्की सी डाउन करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी हल्की सी डाउन करेंगे, क्लियरिटी को थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम, ज़्यादा नहीं, इतनी। ओके, सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देंगे। ओके, यहाँ से हाईलाइट को थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ओके, यहाँ से शैडो को कम करेंगे। ओके, यहाँ से अब इसको हम करेंगे सही। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे चलते हैं। ये हमने सही कर लिया, ये काफ़ी अच्छा फोटो लग रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा है। अब इसको सही करेंगे। 3 से 4 स्टेप हो चुके हैं यहाँ तक है। अब देखिएगा एक मेन चीज़ और रहेगी इसमें, टूल्स वाले ऑप्शन पे जाइएगा दोबारा से। इसमें ये देखिए एडजस्ट के बगल में कवर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करिएगा। पहला जो हमारा स्टेप होगा वो नीचे से होगा, ये देखिएगा डॉट रखा जाएगा जो कि हम हल्का सा डाउन करेंगे इसको, और दूसरा डॉट जो होगा हमारा हल्का सा ऊपर होगा, ऊपर को बढ़ाना है इसको। ओके, इतना सही है, बैकग्राउंड से मैच खा रहा है। यहाँ से अब करेंगे सही, इतना हो चुका है। अभी हमारा फ़ोटो कंप्लीट हो चुका है पूरा, पहले ऐसा था, अब हमने अपना बैकग्राउंड लगा दिया, अपना फ़ोटो एकदम अच्छे से एडजस्ट करके पूरा कंप्लीट कर चुके हम। तो ये हमारा फ़ोटो कंप्लीट हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ से अब हम अपने फ़ोटो को अब सेव करेंगे, ड्रॉ टूल्स वाले ऑप्शन में जाकर के ड्रॉ में जाके 3 डॉट पे देखेगा
सेव इमेज, सेव इमेज कर लेंगे यहाँ से। ओके गाइस।